राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी सत्ता में आने के बाद जातिगत आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करवाएगी। ये बात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जिला बिलासपुर प्रवक्ता योगेश ठाकुर ने कही। योगेश ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का नाम चुनाव आयोग में पंजीकृत हो गया है तथा अब पार्टी पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर पहुंचकर अपनी नीतियों से लोगों को अवगत करवा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में आई है तथा प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से स्वर्ण आयोग बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन उनकी मांगे मानने की बजाय सरकार ने हमेशा स्वर्ण आयोग बनाने के नाम पर लोगों को ठगा है तथा उनकी आवाज को दबाया है। देवभूमि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो हमारे पार्टी सुप्रीमो हैं रुमित सिंह ठाकुर, उनके आदेशानुसार, संगठन के आदेशानुसार पूरे प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों पे चुनाव लड़ने का जो और 20 अप्रैल को जो सचिवालय है वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोविंद राम जी को भेजकर वहाँ पे ऐलान करवाया था कि हम लोग आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, बात भी सुनी जाएगी, जिस वर्ग के लिए आज दिन तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनी सुनवाई के लिए। परंतु जब 3 महीने बीत गए, 90 दिन का समय बीत गया, तो एक बार फिर से हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए और नमस्कार, मैं योगेश ठाकुर, जिला प्रवक्ता राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जिला बिलासपुर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आज से पहले संगठन के रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु अब चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो एक जो स्वर्ण समाज की और जो समानता के अधिकार की बात करने वाली जो पार्टी है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, उसको मान्यता दे दी गई है और हम लोग जो हैं अब पार्टी के रूप में सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और भाई रणजीत सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में ये पूरी पार्टी काम करेगी और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ हम लोग कार्य करने में लगे हैं और निश्चय ही विजय का परचम जो है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस बार विधानसभा चुनावों में लहराएगी और समानता के अधिकार और जिन मुद्दों को हम लोग लेके चले हैं, समानता का अधिकार और जाति मुक्त समाज और जो ये समाज है वो एकजुट होना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम चले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए घुमारवी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।